नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी स्वामिनी। शिवदास ने भंडारे की कुंजी अपनी बहू राम प्यारी के सामने फेंक कर अपनी बूढ़ी आंखों में आंसू भर कर कहा, बहू आज से गृहस्थी की देखभाल तुम्हारे ऊपर है। मेरा सुख भगवान से देखा नहीं गया, नहीं तो कल क्या जवान बेटे को यूं छीन लेते। उसका काम करने वाला कोई नहीं है, एक हल तोड़ दूं तो गुजारा ना होगा। मेरे ही कुकर्म से भगवान का यह कोप आया है और मैं ही अपने माथे पर उसे लूंगा। बिरजू का हल अब मैं ही संभालूंगा। अब घर देख रेख करने वाला, धरने उठाने वाला तुम्हारे सिवा दूसरा कौन है। रो मत बेटा, भगवान की जो इच्छा थी वह हुआ और जो इच्छा होगी वह होगा। हमारा तुम्हारा क्या बस है, मेरे जीते जी तुम्हें कोई टेढ़ी आंख से देख भी न सकेगा। तुम किसी बात का सोच मत किया करो, बिरजू गया तो अभी मैं बैठा हुआ हूँ। राम प्यारी और राम दुलारी दो सगी बहनें थी। दोनों का विवाह मथुरा और बिरजू दो सगे भाइयों से हुआ। दोनों बहनें नैहर की तरह ससुराल में भी प्रेम और आनंद से रहने लगी। शिवदास को पेंशन मिली, दिन भर द्वार पर गपशप करते, भरा पूरा परिवार देखकर प्रसन्न होते और अधिकतर धर्म चर्चा में लगे रहते थे। लेकिन दैवगति से बड़ा लड़का बिरजू बीमार पड़ा और आज उसे मरे हुए 15 दिन बीत गए। आज क्रिया कर्म से फुर्सत मिली और शिवदास ने सच्चे कर्मवीर की भांति फिर जीवन संग्राम के लिए कमर कस ली। मन में उसे चाहे कितना ही दुख हुआ हो, उसे किसी ने रोते नहीं देखा। आज अपनी बहू को देखकर एक क्षण के लिए उसकी आंखें सजल हो गई, लेकिन उसने मन को संभाला और रुद्रकंठ से उसे दिलासा देने लगा। कदाचित उसने सोचा था घर की स्वामिनी बनकर विधवा के आंसू पूछ जाएंगे, कम से कम उसे इतना कठोर परिश्रम ना करना पड़ेगा। इसलिए उसने भंडारे की कुंजी बहू के सामने फेंक दी थी। वैधव्य की व्यथा को स्वामित्व के गर्भ से दबा देना चाहता था। राम प्यारी ने पुलकित कंठ से कहा, कैसे हो सकता है दादा कि तुम मेहनत मजदूरी करो और मैं मालकिन बनकर बैठू। काम धंधे में लगी रहूंगी तो मन बदला रहेगा, बैठे बैठे तो रोने के सिवा और कुछ ना होगा। शिवदास ने समझाया, बेटा देवगति में तो किसी का बस नहीं, रोने धोने से हलकानी के सिवा और क्या हाथ आएगा। घर में भी तो 200 काम है, कोई साधु संत आ जाए, कोई पहुना ही आ जाए तो उनके सेवा सत्कार के लिए किसी को घर पर रहना ही पड़ेगा। बहू ने बहुत से हौले किए पर शिवदास ने एक न सुनी। शिवदास के बाहर चले जाने पर राम प्यारी ने कुंजी उठाई तो मन में अपूर्व गौरव और उत्तरदायित्व का अनुभव हुआ। जरा देर के लिए पति वियोग का दुख उसे भूल गया। उसकी छोटी बहन और देवर दोनों काम करने गए हुए थे। शिवदास बाहर था, घर बिल्कुल खाली था। इस वक्त वह निश्चिंत होकर भंडारे को खोल सकती है। उसमें क्या क्या सामान है, क्या क्या विभूति है, यह देखने के लिए उसका मन लालायित हो उठा। इस घर में वह कभी ना आई थी। जब कभी किसी को कुछ देना या किसी से कुछ लेना होता था तभी शिवदास आकर इस कोठरी को खोला करता था, फिर उसे बंद कर वह ताला लगाकर अपनी कमर में चाबी रख लेता था। राम प्यारी कभी कभी द्वार की दरारों से भीतर झांकती थी पर अंधेरे में कुछ न दिखाई देता था। सारे घर के लिए वह कोठरी तिलिस्म या रहस्य था जिसके विषय में भांति भांति की कल्पनाएं होती रहती थी। आज राम प्यारी को वह रहस्य खोलकर देखने का अवसर मिल गया। उसे बाहर का द्वार बंद कर दिया कि कोई उसे भंडार खोलते ना देख ले, नहीं सोचेगा बेजरूरत उसने क्यों खोला। तब आकर कांपते हुए हाथों से ताला खोला। उसकी छाती धड़क रही थी कि कोई द्वार न खटखटाने लगे। अंदर पांव रखा तो उसे कुछ उसी प्रकार का लेकिन उससे कहीं तीव्र आनंद हुआ जो उसे अपने कपड़े गहने की पिटारी खोलने में होता था। मटकों में गुड़, शक्कर, गेहूं, जौ आदि चीजें रखी हुई थी। एक किनारे बड़े बड़े बर्तन धरे थे जो शादी ब्याह के अवसर पर निकाले जाते थे या मांगे दिए जाते थे। एक आले पर मालगुजारी की रसीदें और लेन देन के पुर्जे बंधे हुए रखे थे। कोठरी में एक विभूति सी छाई थी, मानो लक्ष्मी अज्ञात रूप से विराज रही हो। उस विभूति की छाया में राम प्यारी आधे घंटे तक बैठी अपनी आत्मा को तृप्त करती रही।
प्रतिक्षण उसके हृदय पर ममत्व का नशा सा छाया जा रहा था। जब वह उस कोठरी से निकली तो उसके मन के संस्कार बदल गए थे, मानो किसी ने उस पर मंत्र डाल दिया हो। उसी समय द्वार पर किसी ने आवाज दी। उसने तुरंत भंडारे का द्वार बंद किया और जाकर सदर दरवाजा खोल दिया। देखा तो पड़ोसिन छुनिया खड़ी है और 1 रुपया उधार मांग रही है। राम प्यारी ने रुखाई से कहा, अभी तो 1 पैसा घर में नहीं है जीजी, क्रियाकर्म में सब खर्च हो गया। झुनिया चकरा गई, चौधरी के घर में इस समय 1 रुपया भी नहीं है, यह विश्वास करने की बात ना थी। जिसके यहाँ सैकड़ों का लेन देन है वह सब कुछ क्रियाकर्म में नहीं खर्च कर सकता। अगर शिवदास ने कहा होता तो कुछ और बात थी, तो उसे आश्चर्य ना होता। प्यारी तो अपने सरल स्वभाव के लिए गाँव में मशहूर थी। अक्सर शिवदास की आंखें बचाकर पड़ोसियों को इच्छित वस्तुएं दे दिया करती थी। अभी कल ही उसने जानकी को शेर भर दूध दिया, यहाँ तक कि अपने गहने तक मांगे दे देती थी। कृपन शिवदास के घर में ऐसी खर्चीली बहू का गांव वाले अपने सौभाग्य की बात समझते थे। झुनिया ने चकित होकर कहा, ऐसा न कहो जीजी, बड़े गाढ़े में पर कर आई हूँ। नहीं जानती हो तुम, मेरी आदत ऐसी नहीं है, बाकी 1-1 रुपया देना है। प्यादा द्वार पर खड़ा बकबक कर रहा है, रुपया दे दो तो किसी तरह यह विपत्ति टले। मैं आज के 8वें दिन आकर दे जाऊंगी। गांव में और कौन घर है जहां मांगने जाऊं? प्यारी टस से मस न हुई। उसके जाते ही प्यारी सांझ के लिए रसोई पानी का इंतजाम करने लगी। पहले चावल दाल बिनना अपार्ट लगता था और रसोई में जाना तो सूली पर चढ़ने से कम न था। कुछ देर बहनों में झाँव झाँव होती, तब शिवदास आकर कहते कि आज रसोई न बनेगी, तो 2 में 1 उठती और मोटे मोटे टिक्कर लगाकर रख देती, मानो बैलों का रातिब हो। आज प्यारी तन मन से रसोई के प्रबंध में लगी हुई है, अब वह घर की स्वामिनी है। तब उसके बाहर निकल कर देखा, इतना कूड़ा करकट पड़ा हुआ है, बुढ़ऊ दिन भर मक्खी मारा करते हैं, इतना भी नहीं होता कि जरा झाड़ू ही लगा दे। अब क्या इनसे इतना भी ना होगा, द्वार चिकना होना चाहिए कि देखकर आदमी का मन प्रसन्न हो जाए, या नहीं कि उबकाई आने लगे। अभी कह दूं तो तिनक उठे। अच्छा, मुन्नी नांद से अलग क्यों खड़ी है? उसकी मुन्नी के पास जाकर नांद में झाँका, दुर्गंध आ रही थी। छी, मालूम होता है महीनों से पानी ही नहीं बदला गया। इस तरह तो गाय रह चुकी, अपना पेट भर लिया, छुट्टी हुई, और किसी से क्या मतलब। हाँ, सबको अच्छा लगता है, दादा द्वार पर बैठे चीलम पी रहे हैं, वह भी 3 कौड़ी का, खाने को 1.5 सेर, काम करते नानी मरती है। आज आता है तो पूछती हूँ, नाद में पानी क्यों नहीं बदला? रहना हो तो रहे या जाए, आदमी बहुत मिलेंगे, चारों ओर तो लोग मारे मारे फिर रहे हैं। आखिर उससे न रहा गया, घड़ा उठाकर पानी लाने चली। शिवदास ने पुकारा, पानी क्या होगा बहू, इसमें पानी भरा हुआ है। प्यारी ने कहा, नाद का पानी सर गया है, मुन्नी भूसे में मुंह नहीं डालती, देखते नहीं हो कोस भर पर खड़ी है। शिवदास मार्मिक भाव से मुस्कुराए और आकर बहू के हाथ से घड़ा ले लिया। कई महीने बीत गए, प्यारी के अधिकार में आते ही उस घर में जैसे वसंत आ गया। भीतर बाहर जहाँ देखिए किसी निपुण प्रबंधक के हस्त कौशल, सुविचार और सुरुचि के चिन्ह दिखते थे। प्यारी ने गृह यंत्र की ऐसी चाबी कस दी थी कि सभी पुर्जे ठीक ठाक चलने लगे थे। भोजन पहले से अच्छा मिलता है और समय पर मिलता है, दूध ज़्यादा होता है, घी ज़्यादा होता है और काम ज़्यादा होता है। प्यारी न खुद विश्राम लेती है, न दूसरों को विश्राम लेने देती है। घर में ऐसी बरकत आ गई है कि जो चीज मांगो घर ही में निकल आती है। आदमी से लेकर जानवर तक सभी स्वस्थ दिखाई देते हैं। अब वह पहले किसी दशा नहीं है कि कोई चिथरे लपेटे घूम रहा है, किसी को गहने की धुन सवार है। हाँ, अगर कोई रुग्ण और चिंतित तथा मलिन वेश में है तो वह प्यारी है, फिर भी सारा घर उससे जलता है। यहाँ तक कि बूढ़े शिवदास भी कभी कभी उसकी बदगोई करते हैं। किसी को पहर रात रहे उठना अच्छा नहीं लगता, मेहनत से सभी जी चुराते हैं, फिर भी यह सब मानते हैं कि प्यारी ना हो तो घर का काम न चले।
और तो और दोनों बहनों में भी अब उतना अपनापन नहीं। प्रातः काल का समय था। दुलारी ने हाथों के करे लाकर प्यारी के सामने पटक दिए और भुन्नाई हुई बोली, लेकर इसे भी भंडारे में बंद कर दे। प्यारी ने करे उठा लिए और कोमल स्वर से कहा, कह तो दिया, हाथ में रुपये आने दे, बनवा दूंगी। अभी ऐसा घिसा नहीं है, आज ही उतार कर फेंक दिया जाए। दुलारी लड़ने को तैयार होकर आई थी, बोली, तेरे हाथ में काहे को कभी रुपया आएंगे, काहे को कड़े बनेंगे, जोर तो रखने में मजा आता है ना। प्यारी ने हंस कर कहा, जोर तो रखती हूँ तो तेरे लिए, कि मेरा कोई और बैठा हुआ है, कि मैं सबसे ज्यादा खा पहन लेती हूँ, मेरा अनंत कब का टूटा पड़ा है। दुलारी, तुम न खाओ न पहनो, जस तो पाती हो, यहाँ खाने पहनने की सिवा और क्या है। मैं तुम्हारा हिसाब किताब नहीं जानती, मेरे करे आज बनने को भेज दो। प्यारी ने सरल विनोद से भाव से पूछा, रुपये न हो तो कहाँ से लाऊं। दुलारी ने उदंडता के साथ कहा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मैं तो कड़े चाहती हूँ। इसी तरह घर के सब आदमी अपने अपने अवसर पर प्यारी को दो चार खोड़ी खोटी सुना जाते थे और वह गरीब सबकी धौंस हंसकर सहती थी। स्वामी का यह धर्म है कि सबकी धौंस सुन ले और करे वही जिसमें घर का कल्याण हो। स्वामित्व के कवच पर धौंस ताने धमकी किसी का असर नहीं होता। उसकी स्वामनी की कल्पना इन आघातों से और भी स्वस्थ होती थी। वह गृहस्थी की संचालिका है, सभी अपने अपने दुख उसी के सामने रोते हैं, पर जो कुछ वह करती है वही होता है। इतना उसे प्रसन्न करने के लिए काफी था। गांव में प्यारी की सराहना होती थी। अभी उम्र ही क्या है, लेकिन सारे घर को संभाले हुए है। चाहती तो सगाई करके चैन से रहती, इस घर के पीछे अपने को मिटाए देती है। कभी किसी से हंसती बोलती भी नहीं, जैसे काया पलट हो गई। कई दिन बाद दुलारी के करे बनकर आ गए। प्यारी खुद सुनार के घर दौड़ दौड़ आ गई। संध्या हो गई थी, दुलारी और मथुरा हाट से लौटे। प्यारी ने नए करे दुलारी को दिए। दुलारी निहाल हो गई, झटपट कड़े पहने और दौड़ी हुई बौराठे में जाकर मथुरा को दिखाने लगी। प्यारी बौराठे के द्वार पर छिपी खड़ी यह दृश्य देखने लगी, उसकी आंखें सजल हो गई। दुलारी उससे कुल 3 ही साल की छोटी थी, पर दोनों में कितना अंतर है। उसकी आंखों माने उस दृश्य पर जम गई। दंपति का वह सरल आनंद, उनका प्रेमालिंगन, उनकी मुग्ध मुद्रा प्यारी की टकटकी सी बंद गई। यहाँ तक दीपक के धुंधले प्रकाश में दोनों उसकी नजरों से गायब हो गए और अपने ही अतीत जीवन की एक लीला आंखों के सामने बार बार नए नए रूप में आने लगी। सहसा शिवदास ने पुकारा, बड़ी बहू, एक पैसा दो, तमाकू मंगवाऊं। प्यारी की समाधि टूट गई, आंसू पोछती हुई भंडारे में पैसा लेने चली गई। एक एक करके प्यारी के गहने उसके हाथ से निकलते जाते थे। वह चाहती थी मेरा घर गांव में सबसे संपन्न समझा जाए, और इस महत्वाकांक्षा का मूल्य देना पड़ता था। कभी घर की मरम्मत के लिए, कभी बैलों की नई गोई खरीदने के लिए, कभी नातेदारों और व्यवहारों के लिए, कभी दारू के लिए, कभी दवा के लिए रुपए की जरूरत पड़ती थी। और जब जब बहुत कतर ब्योत करने पर भी काम न चलता तो वह अपनी कोई न कोई चीज निकाल कर देती, और वह चीज एक बार हाथ से निकल कर फिर न लौटती थी। वह चाहती तो इनमें से कितने ही खर्चों को टाल जाती, पर जहाँ इज्जत की बात आ पड़ती थी वह दिल खोल कर खर्च करती। अगर गांव में हेटी हो गई तो क्या बात रही, लोग उसी का नाम तो धरेंगे। दुलारी के पास भी गहने थे, 2-1 चीजें मथुरा के पास भी थी, लेकिन प्यारी उनकी चीजें ना छूती। उनके खाने पहनने के दिन है, वे इस जंजाल में क्यों फंसे। दुलारी को लड़का हुआ तो प्यारी ने धूम से जन्मोत्सव मनाने का प्रस्ताव किया। शिवदास ने विरोध किया कि क्या फायदा, जब भगवान की दया से सगाई ब्याह के दिन आएंगे तो धूमधाम कर लेना। प्यारी का हौसलों से भरा दिल भला क्यों मानता, बोली, कैसी बात करते हो दादा, पलौटे लड़के के लिए भी धूमधाम ना हुई तो कब होगी। मन तो नहीं मानता, फिर दुनिया क्या कहेगी। नाम बरे दर्शन थोड़े, मैं तुमसे नहीं मांगती, अपना सारा सरजाम कर लूंगी, गहनों के माथे जाएगी और क्या,
शिवदास ने चिंतित होकर कहा, इस तरह एक दिन धागा भी न बचेगा। कितना समझाया, बेटा भाई भौजाई किसी के नहीं होते, अपने पास दो चीजें रहेगी तो सब मुंह जोहेंगे, ना तो कोई सीधे बात भी ना करेगा। प्यारी ने ऐसा मुंह बनाया मानो ऐसी बूढ़ी बातें बहुत सुन चुकी है और बोली, जो अपने हैं वे भी ना पूछे तो भी अपने ही रहते हैं, मेरा धर्म मेरे साथ है, उनका धर्म उनके साथ है, मर जाऊंगी तो क्या छाती पर लाद ले जाऊंगी। धूमधाम से जन्मोत्सव मनाया गया। बरही के दिन सारी बिरादरी का भोज हुआ, लोग खा पी कर चले गए। प्यारे दिन भर की थकी मादी आंगन में एक ठाट का टुकड़ा बिछाकर कमर सीधी करने लगी, आंखें झपक गई। मथुरा उसी वक्त घर में आया, नवजात पुत्र को देखने के लिए उसका चित्त व्याकुल हो रहा था। दुलारी सौर गृह से निकल चुकी थी, गर्भावस्था में उसकी देह छिन्न हो गई थी, मुंह भी उतर गया था, पर आज स्वस्थता की लालिमा मुख पर छाई हुई थी। सौर के संयम और पौष्टिक भोजन ने देह को चिकना कर दिया था। मथुरा उसे आंगन में देखते ही समीप आ गया और एक बार प्यारी की ओर ताक कर उसके निद्रा मग्न होने का निश्चय करके उसने शिशु को गोद में ले लिया और उसका मुंह चूमने लगा। आहट पाकर प्यारी की आंखें खुल गई, पर उसने नींद का बहाना किया और अधखुली आंखों से यह आनंद क्रीड़ा देखने लगी। माता और पिता दोनों बारी बारी से बालक को चूमते, गले लगाते और उसके मुख को निहारते थे। कितना स्वर्गीय आनंद था। प्यारी की त्रिषित लालसा एक क्षण के लिए स्वामिनी को भूल गई। जैसे लगाम मुख बद्ध बोझ से लदा हुआ, हांकने वाले के चाबुक से पीड़ित, दौड़ते दौड़ते बेदम तुरंग हिनहिनाने की आवाज़ सुनकर कनौतियाँ खड़ी कर लेता है और परिस्थिति को भूलकर एक दबी हुई हिनहिनाहट से उसका जवाब देता है, कुछ वही दशा प्यारी की हुई। उसका मातृत्व की जो पिंजरे में बंच मुख निश्चेष्ट पड़ा हुआ था, समीप से आने वाली मातृत्व की चहकार सुनकर जैसे जाग पड़ा और चिंताओं के उस पिंजरे से निकलने के लिए पंख फड़फड़ाने लगा। मथुरा ने कहा, यह मेरा लड़का है। दुलारी ने बालक को गोद में चिपटा कर कहा, हाँ क्यों नहीं, तुम्ही ने तो 9 महीने पेट में रखा है, सांसत तो मेरी हुई, बाप कहलाने के लिए तुम कूद पड़े। मथुरा, मेरा लड़का ना होता तो मेरी सूरत का क्यों होता, चेहरा मोहरा रंग रूप सब मेरा ही सा है कि नहीं। दुलारी, इससे क्या होता है, बीज बनिए के घर से आता है, खेत किसान का होता है, उपज बनिए की नहीं होती, किसान की होती है। मथुरा, बातों में तुमसे कोई न जीतेगा, मेरा लड़का बड़ा हो जाएगा तो मैं द्वार पर बैठकर मजे से हुक्का पिया करूंगा। दुलारी, मेरा लड़का पढ़ेगा लिखेगा, कोई बड़ा होदा पाएगा, तुम्हारी तरह दिल भर बैल के पीछे न चलेगा। मालकिन का कहना है कल एक पलना बनवा दे। मथुरा, अब बहुत सवेरे ना उठा करना और छाती फाड़ कर काम भी ना करना। दुलारी, यह मरानी जीने देगी। मथुरा, मुझे तो बेचारी पर दया आती है, उसके कौन बैठा हुआ है, हम ही लोगों के लिए मरती है, भैया होते तो अब तक 2-3 बच्चों की माँ हो गई होती। प्यारी के कंठ में आंसुओं का ऐसा वेग उठा कि उसे रोकने में सारी देह कांप उठी। अपना वंचित जीवन उसे मरुस्थल सा लगा, जिसकी सूखी रेत पर वह हरा भरा बाग लगाने की निष्फल चेष्टा कर रही थी। कुछ दिनों के बाद शिवदत्त भी मर गया। उधर दुलारी के 2 बच्चे और हुए, वह भी अधिकतर बच्चों के लालन पालन में व्यस्त रहने लगी। खेती का काम मजदूरों पर आ पड़ा। मथुरा मजदूर तो अच्छा था, संचालक अच्छा ना था। उसे स्वतंत्र रूप से काम लेने का कभी अवसर ना मिला। खुद पहले भाई की निगरानी की काम में काम करता रहा, बाद में बाप की निगरानी के में काम करने लगा। खेती का तार भी ना जानता था। वही मजदूर उसके यहाँ टिकते थे जो मेहनत नहीं खुशामत करने में कुशल होते थे, इसलिए प्यारी को अब 2 दिन में 2-4 चक्कर हार के भी लगाना पड़ता। कहने को अब वह अब भी मालकिन थी, पर वास्तव में घर भर की सेविका थी। मजदूर भी उससे त्योरियाँ बदलते, जमींदार का प्यादा भी उसी पर धौंस जमाता, भोजन में किफायत करनी पड़ती, लड़कों को तो जितनी बार मांगे उतनी बार कुछ न कुछ चाहिए, दुलारी तो लड़कोड़ी थी, उसे भरपूर भोजन चाहिए। मथुरा घर का सरदार था,
वही एक फालतू चीज था। अगर आधा पेट खाए तो किसी को हानि ना हो सकती थी। 30 वर्ष की अवस्था में उसके बाल पक गए, कमर झुक गई, आंखों की जोत कम हो गई, मगर वह प्रसन्न थी। स्वामित्व का गौरव इन सारे जख्मों पर मरहम का काम करता था। एक दिन मथुरा ने कहा, भाभी अब तो कहीं परदेश जाने का जी होता है, यहाँ तो कमाई में बरकत नहीं, किसी तरह पेट की रोटी चल जाती है, वह भी रोध होकर। कई आदमी पूरब से आए हैं, वे कहते हैं वहाँ 2-3 रुपये रोज की मजदूरी हो जाती है, 4-5 साल भी रह गया तो मालामाल हो जाऊंगा। अब आगे लड़के बचे हुए, इनके लिए तो कुछ करना ही चाहिए। दुलारी ने समर्थन किया, हाथ में 4 पैसे होंगे, लड़कों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, हमारी तो किसी तरह कट गई, लड़कों को तो आदमी बनाना है। प्यारी यह प्रस्ताव सुनकर अवाक रह गई, उनका मुंह ताकने लगी। इसके पहले इस तरह की बातचीत कभी न हुई थी, यह धुन कैसे सवार हो गई। उसे संदेह हुआ, शायद मेरे कारण यह भावना उत्पन्न हुई। बोली, मैं तो जाने को न कहूंगी, आगे जैसी इच्छा हो, लड़कों को पढ़ाने लिखाने के लिए यहाँ भी तो मदरसा है, फिर क्या नित्य यही दिन बने रहेंगे, 2-3 साल भी खेती गई तो सब कुछ हो जाएगा। मथुरा, इतने दिन खेती करते हो गए, अब तक तो कुछ न बनी, तो क्या अब आगे बने जाएगी। इस तरह एक दिन चल देंगे, मन की मन में रह जाएगी, फिर अब पौरुख भी तो थक रहा, यह खेती कौन संभालेगा, लड़कों को मैं चक्की में जोत कर उनकी जिंदगी नहीं खराब करना चाहता। प्यारी ने आंखों में आंसू लाकर कहा, भैया घर पर जब तक आधी मिले साड़ी के लिए तो न धावना चाहिए, अगर मेरी ओर से कोई बात हो तो अपना घर बार अपने हाथ में करो, मुझे एक टुकड़ा दे देना, पड़ी रहूंगी। मथुरा आर्द कंठ होकर बोला, भाभी यह तुम क्या कहती हो, तुम्हारे ही संभाले यह घर अब तक चला है, नहीं तो रसातल में चला गया होता। यह गृहस्थी के पीछे तुमने अपने को मिट्टी में मिला दिया, अपनी देह धुला डाली। मैं अंधा नहीं हूँ, सब कुछ समझता हूँ, हम लोगों को जाने दो, भगवान ने चाहा तो घर फिर संभाल जाएगा, तुम्हारे लिए हम बराबर खर्च बरच भेजते रहेंगे। प्यारी ने कहा, ऐसा ही है तो तुम चले जाओ, बाल बच्चों को कहाँ कहाँ बांधे पिरोगे। दुलारी बोली, यह कैसे हो सकता है बहन, यहाँ देहात में लड़के पढ़ेंगे लिखेंगे, बच्चों के बिना इनका जी भी वहाँ न लगेगा, दौड़ दौड़ कर घर आएंगे और सारी कमाई रेल खा जाएगी, परदेश में अकेले जितना खर्चा होगा उतने में सारा घर आराम से रहेगा। प्यारी बोली, तो मैं ही यहाँ रह कर क्या करूँगी, मुझे भी लेते चलो। दुलारी उसे साथ ले चलने को तैयार न थी, कुछ दिन का आनंद उठाना चाहती थी, अगर परदेश में भी यह बंधन रहा तो जाने से क्या फायदा। बोली, बहन तुम चलती तो क्या बात थी, लेकिन फिर यहाँ का कारोबार तो चौपट हो जाएगा, तुम तो कुछ न कुछ देखभाल करती ही रहोगी। प्रस्थापन की तिथि के एक दिन पहले ही राम प्यारी ने रात भर जागकर हलुआ और पूरियां पकाई। जब से इस घर में आई कभी एक दिन के लिए अकेले रहने का अवसर नहीं आया, दोनों बहनें सदा साथ रही। आज उस भयंकर अवसर को सामने आते देखकर प्यारी का दिल बैठा जाता था। वह देखती थी मथुरा प्रसन्न है, बाल बृंद यात्रा के आनंद में खाना पीना तक भूले हुए हैं, तो उसके जी में आता वह भी इसी भांति निर्द्वंद रहे, मोह और ममता को पैरों से कुचल डाले, किंतु वह ममता जिस खाद को खा खा कर पाली थी उसे अपने सामने से हटाए जाते देखकर क्षुब्ध होने से न रुकती थी। दुलारी तो इस तरह निश्चिंत होकर बैठी थी मानो कोई मेला देखने जा रही है, नई नई चीजों को देखने, नई दुनिया में विचरने की उत्सुकता ने उसे क्रिया शून्य सा कर दिया था। प्यारी के सिरे सारे प्रबंध का भार था, धोबी के घर से सब कपड़े आए हैं या नहीं, कौन कौन से बर्तन साथ जाएंगे, सफर खर्च के लिए कितने रुपए की जरूरत होगी, एक बच्चे की खांसी आ रही थी, दूसरे को कई दिन से दस्त आ रहे थे, उन दोनों की औषधियों को पीसना कूटना आदि सैकड़ों ही काम व्यस्त किए हुए थे। लड़कोड़ी ना होकर भी वह बच्चों के पालन पोषण में दुलारी से कुशल थी। देखो बच्चों को बहुत मारना पीटना मत, मारने से बच्चे जिद्दी और बेहाया हो जाते हैं, बच्चों के साथ आदमी को बच्चा बन जाना पड़ता है, जो तुम चाहो कि हम आराम से पड़े रहे और बच्चे चुपचाप बैठे रहे, हाथ पैर ना हिलाए, तो यह हो नहीं सकता, बच्चे तो स्वभाव के चंचल होते हैं, उन्हें किसी न किसी काम में फंसाए रखो, धेले का खिलौना 1000 घुरकियों से बढ़कर होता है। दुलारी इन उपदेशों को इस तरह बेमन होकर सुनती थी मानो कोई सनक कर बक रहा हो।
विदाई का दिन प्यारी के लिए परीक्षा का दिन था। उसके जी में आता था कहीं चली जाए जिसमें यह दृश्य देखना न पड़े। हाँ, घड़ी भर में यह घर सूना हो जाएगा। वह दिन भर घर में अकेली पड़ी रहेगी, किससे हंसेगी बोलेगी, यह सोचकर उसका हृदय कांप जाता था। ज्यों ज्यों समय निकट आता था उसकी वृत्तियाँ शिथिल होती जाती थी। वह कोई काम करते करते जैसे खो जाती थी और अपलक नेत्रों से किसी वस्तु को ताकने लगती। कभी अवसर पाकर एकांत में जाकर थोड़ा सा रो आती थी, मन को समझा रही थी, वह लोग अपने होते तो क्या इस तरह चले जाते, यह तो मानने का नाता है, किसी पर कोई जबरदस्ती है, दूसरों के लिए कितना ही मरो तो भी अपने नहीं होते, पानी तेल में कितना ही मिले फिर भी अलग ही रहेगा। बच्चे नए नए कुर्ते पहने नवाब बने घूम रहे थे। प्यारी उन्हें प्यार करने के लिए गोद लेना चाहती थी तो रोने का समूह बनाकर छुड़ाकर भाग जाते। वह क्या जानती थी कि ऐसे अवसर पर बहुधा अपने बच्चे भी निष्ठुर हो जाते हैं। 10 बजते बजते द्वार पर बैलगाड़ी आ गई। लड़के पहले ही से उस पर जा बैठे। गाँव के कितने स्त्री पुरुष मिलने आए। प्यारी को इस समय उनका आना बुरा लग रहा था। वह दुलारी से थोड़ी देर एकांत गले मिलकर रोना चाहती थी। मथुरा से हाथ जोड़कर कहना चाहती थी, मेरी खोज खबर लेते रहना, तुम्हारे सिवा मेरा संसार में कौन है। लेकिन इस भभड़ में उसको इन बातों का मौका न मिला। मथुरा और दुलारी दोनों गाड़ी में जा बैठे और प्यारी द्वार पर रोती खड़ी रह गई। वह इतनी विवल थी कि गाँव के बाहर तक पहुँचाने की भी उसे सुधि न रही। कई दिन तक प्यारी मूर्छित भी पड़ी रही। न घर से निकली, न चूल्हा जलाया, न हाथ मुंह धोया। उसका हलवाहा जोखू बार बार आकर कहता, मालकिन उठो, मुंह हाथ धो, कुछ खाओ पियो, कब तक इस तरह पड़ी रहोगी। इस तरह की तसल्ली गांव की और स्त्रियां भी देती थी, पर उनकी तसल्ली में एक प्रकार की ईर्ष्या का भाव छिपा हुआ जान पड़ता था। जोखू के स्वर में सच्ची सहानुभूति झलकती थी। जोखू कामचोर, बातूनी और नशेबाज था। प्यारी उसे बराबर डांटती रहती थी, दो एक बार उसे निकाल भी चुकी थी, पर मथुरा के आग्रह से फिर रख लिया था। आज भी जोखू की सहानुभूति भरी बातें सुनकर प्यारी झुंझलाती, यह काम करने क्यों नहीं जाता, यहाँ मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है, मगर उसे झिड़क देने को जी न चाहता था। उसे उस समय सहानुभूति की भूख थी। फल कांटेदार वृक्ष से भी मिले तो क्या उन्हें छोड़ दिया जाता है। धीरे धीरे क्षोभ का वेग कम हुआ, जीवन में व्यापार होने लगे। अब खेती का सारा भार प्यारी पर था। लोगों ने सलाह दी कि एक हल तोड़ दो और खेतों को उठा दो, पर प्यारी को गर्व या ढोल बजाकर अपनी पराजय स्वीकार न करना था। सारे काम पूर्ववत चलने लगे। उधर मथुरा की चिट्ठी पत्री न भेजने से उसके स्वाभिमान को और भी उत्तेजना मिली। वह समझता है, मैं उसके आश्रय बैठी हूँ, उसके चिट्ठी भेजने से मुझे कोई निधि न मिल जाती। उसे अगर मेरी चिंता नहीं है तो मैं कब उसकी परवाह करती हूँ। घर में तो अब विशेष काम रहा नहीं। प्यारी सारे दिन खेती बाड़ी के कामों में लगी रहती। खरबूजे बोए थे, वह खूब फले और खूब बिके। पहले सारा दूध घर में खर्च हो जाता था, अब बिकने लगा। प्यारी की मनोवृत्तियों में ही एक विचित्र परिवर्तन आ गया। वह अब साफ कपड़े पहनती, मांग चोटी की ओर से भी उतनी उदासीन न थी, आभूषणों में भी रुचि हुई। रुपये हाथ में आते ही उसने अपने गिरवी गहने छुड़ाए और भोजन भी संजब से करने लगी। सागर पहले खेतों को सींच कर खुद खाली हो जाता था, अब निकास की नालियां बंद हो गई थी। सागर में पानी जमा होने लगा, उसमें हल्की हल्की लहरें भी थी, खिले हुए कमल भी थे। एक दिन जोखू हार से लौटा तो अंधेरा हो गया था। प्यारी ने पूछा, अब तक वहाँ क्या करता रहा। जोखू ने कहा, 4 क्यारियां बच रही थी, मैंने सोचा 10 मोट और खींच दूं, कल का झंझट कौन रखे। जोखू अब कुछ दिनों से काम में मन लगाने लगा था। जब तक मालिक उसके सिर पर सवार रहते थे वह हीले बहाने करता था, अब सब कुछ उसके हाथ में था। प्यारी सारे दिन हार में थोड़ी ही रह सकती थी, इसलिए अब उसकी जिम्मेदारी आ गई थी। प्यारी ने लोटे का पानी रखते हुए कहा, अच्छा हाथ मुंह धो डालो, आदमी जान रख कर काम करता है, हाय हाय करने से कुछ नहीं होता, खेत आज ना होते कल होते, क्या जल्दी थी। जोखू ने समझा, प्यारी बिगड़ रही है, उसने तो अपनी समझ में कारगुजारी की थी और समझा था तारीफ होगी, यहाँ आलोचना हुई। चिढ़कर बोला, मालकिन दाहिने बाएं दोनों ओर चलती हो,
जो बात नहीं समझती हो उसमें क्यों कूदती हो? कल के लिए तो ऊंचवा के खेत पड़े सूखे रहे हैं, आज बड़ी मुश्किल से कुआं खाली हुआ है। सवेरे मैं पहुंचता तो कोई और आकर ना छेक लेता, फिर अठवारे तक रह देखनी पड़ती, अब तक तो सारी ऊंख विदा हो जाती। प्यारी उसकी सरलता पर हंसकर बोली, अरे तो मैं तुझे कुछ कह थोड़ी रही हूँ पागल, मैं तो कहती हूँ कि जान रख कर काम कर, कहीं बीमार पड़ गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। जो को कौन बीमार पड़ जाएगा, मैं 20 साल में कभी सिर तक तो ना दुखा नहीं, आगे की नहीं जानता, कहो रात भर काम करता रहूं। प्यारी मैं क्या जानूं, तुम ही अंतरे दिन बैठे रहते थे और पूछा जाता था तो कहते थे जूर आ गया था, पेट में दर्द था। जो खुद झेपता हुआ बोला, वह बातें जब थी जब मालिक लोग चाहते थे कि इसे पीस डाले, अब तो जानता हूँ मेरे ही माथे हैं, मैं ना करूँगा तो सब चौपट हो जाएगा। प्यारी मैं क्या देखभाल नहीं करती, जो कुछ तुम बहुत करोगी, दो बेर चली जाओगी, सारा दिन तुम वहाँ बैठी नहीं रह सकती। प्यारी को उसके निष्कपट व्यवहार ने मुग्ध कर दिया, बोली तो इतनी रात गए चूल्हा जलाओगे, कोई सगाई क्यों नहीं कर लेते। जोखू ने मुंह धोते हुए कहा, तुम भी खूब कहती हो मालकिन, अपने पेट भर को तो होता नहीं, सगाई कर लूं, सवा शेर खाता हूं, एक जून पूरा सवा शेर, दोनों जीन के लिए दो शेर चाहिए। प्यारी अच्छा आज मेरी रसोई में खाओ, देखूं कितना खाते हो। जोखू ने पुलकित होकर कहा, नहीं मालकिन तुम बनाते बनाते थक जाओगी, हाँ आधा आधा शेर के दो रोटी बनाकर खिला दो तो खा लूं, मैं तो यही करता हूँ, बस आटा सान कर दो लीट बनाता हूँ और उपले पर सेक लेता हूँ, कभी मठे से कभी नमक से कभी प्याज से खा लेता हूँ और आकर पर रहता हूँ। प्यारी मैं तुम्हें आज फुलके खिलाऊंगी। जो कु तब तो सारी रात खाते ही बीत जाएगी। प्यारी बको मत, चटपट आकर बैठ जाओ। जो कु जरा बैलों को सानी पानी देता आऊं तो बैठूं। जोखू और प्यारी में ठनी हुई थी। प्यारी ने कहा, मैं कहती हूँ धान रोपने की कोई जरूरत नहीं, झड़ी लग जाए तो खेत डूब जाए, बरखा बंद हो जाए तो खेत सूख जाए, जुआर बाजरा सन अरहर सब तो हैं, धान न सही। जोखू ने अपने विशाल कंधे पर फावरा रखते हुए कहा, जब सबका होगा तो मेरा भी होगा, सबका डूब जाएगा तो मेरा भी डूब जाएगा, मैं क्यों किसी से पीछे रहूं? बाबा के जमाने में 25 बीघा में कम से कम नहीं रोपा जाता था, बिरजू भैया ने उसमें एक दो बीघे और बढ़ा दिए, मथुरा ने भी थोड़ा बहुत हर साल रोजा रोपा, तो मैं क्या सबसे गया बीता हूँ? मैं 5 बीघे से कम ना लगाऊंगा, तब घर में दो जवान काम करने वाले थे, मैं अकेला उन दोनों के बराबर खाता हूँ, दोनों के बराबर काम क्यों ना करूंगा। चल झूठा कहीं का, कहते थे दो शेर खाता हूँ, 4 शेर खाता हूँ, आधा शेर में रह गए, एक दिन तौला तब मालूम हो, तौला है बड़े खाने वाले, मैं कह देती हूँ धान ना रोपो, मजूर मिलेंगे नहीं, अकेले हलकान होना पड़ेगा, तुम्हारी बला से मैं ही हलकान होऊंगा ना, यह देख किस दिन काम आएगी। प्यारी ने उसकी कंधे पर से फावरा ले लिया और बोली, तुम पहर रात से पहर रात तक ताल में रहोगे, अकेले मेरा जी उबेगा नहीं। जोखू को उबने का अनुभव न था, कोई काम ना हो तो आदमी पर कर सो रहे, जी क्यों उबे? बोला, जी उबे तो सो रहना, मैं घर रहूंगा तब तो जी और उबेगा, मैं खाली बैठता हूँ तो बार बार खाने की सोचती है, बातों में देर हो रही है और बादल घिरे आते हैं। प्यारी ने कहा, अच्छा कल से जाना, आज बैठो। जोखू ने माने बंधन में पड़कर कहा, अच्छा बैठ गया, कहो क्या कहती हो? प्यारी ने विनोद करते हुए कहा, कहना क्या है, मैं तुमसे पूछती हूँ अपनी सगाई क्यों नहीं कर लेते, अकेले मरती हूँ तब एक से दो हो जाऊंगी। जोखू शर्माता हुआ बोला, तुमने फिर वही बेबात की बात छेड़ दी मालकिन, किससे सगाई कर लूँ, यहाँ ऐसी मेहरिया लेकर क्या करूँगा जो गहनों के लिए मेरी जान खाती रहे। प्यारी यह तो तुमने बड़ी कड़ी शर्त लगाई, ऐसी औरत कहाँ मिलेगी जो गहने भी ना चाहे। जोखू यह मैं थोड़े ही कहता हूँ कि वो गहने ना चाहे, मेरी जान ना खाए, तुमने तो कभी गहनों के लिए हट ना किया, बल्कि अपने सारे गहने दूसरों के ऊपर लगा दिए। प्यारी के कपोलों पर हल्का सा रंग आ गया, बोली अच्छा और क्या चाहते हो? जोखू मैं कहने लगूंगा तो बिगड़ जाओगी,
प्यारी की आंखों में लज्जा की एक रेखा नजर आई। बोली, बिगड़ने की बात कहोगे तो जरूर बिगड़ूंगी, जो खुद तो मैं ना कहूंगा। प्यारी ने उसे पीछे की ओर ठेलते हुए कहा, कहोगे कैसे नहीं, मैं कहला के छोड़ूंगी। जोखू, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी तरह हो, ऐसी गंभीर हो, ऐसी ही बातचीत में चतुर हो, ऐसी ही अच्छा पकाती हो, ऐसी ही किफायती हो, ऐसी ही हंसमुख हो। बस ऐसी औरत मिलेगी तो करूँगा, नहीं तो इसी तरह पड़ा रहूँगा। प्यारी का मुख लज्जा से आरकत हो गया। उसने पीछे हट कर कहा, तुम बड़े नटखट हो। हंसी हंसी में सब कुछ कह गए। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी स्वामिनी। धन्यवाद।